हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज का जो वीडियो है वो है आपका लेटरल एंट्री से रिलेटेड। ठीक है, जो भी आईटीआई स्टूडेंट हैं या फिर प्लस टू स्टूडेंट हैं, जो भी डिप्लोमा करना चाहते हैं आगे, ठीक है, उनके लिए है कि वो कैसे आईटीआई के बाद डिप्लोमा कर सकते हैं। ठीक है, लेटरल एंट्री सेकेंड ईयर में कैसे डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे बिहार सरकार की तरफ से आपका पॉलिटेक्निक का जो है फॉर्म आया हुआ है लेटरल एंट्री वालों के लिए। ठीक है, तो उसके बारे में आज डिटेल से मैं बताऊँगा कैसे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने के पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे इस तरह के इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा देना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखिए, ये हमारा बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा, ठीक है, ये जो बोर्ड है उसका डिप्लोमा एंट्रेंस कम्पिटेटिव एग्ज़ाम लेटरल एंट्री 2020, ठीक है, ये आपका 2020 के लिए इस बार का आपका है। ठीक है, इसमें देखिए इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो इसमें जिन्होंने भी 2 वर्ष का आपका आईटीआई कोर्स कर रखा है, ठीक है, आईटीआई 2 वर्ष वाला, जैसे आपका ले हो गया फिटर हो गया इलेक्ट्रीशियन हो गया, ठीक है, जो भी 2 वर्ष वाले ट्रेड हैं वो सारे यहाँ पे एलिजिबल हैं, या फिर जो जिन्होंने भी 12th कर रखा है वो भी यहाँ पे एलिजिबल है। ठीक है, साइंस में उसका सब्जेक्ट लेकिन होना चाहिए फिजिक्स और मैथ होना चाहिए, ठीक है, साइंस सब्जेक्ट रहना चाहिए, भौतिक विज्ञान ये सारा होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलेगा, जैसे कि डिप्लोमा हमारा 3 ईयर का होता है, ठीक है, तो उसमें से आपको सेकेंड ईयर में आपका 2 साल का ही बच जाएगा। तो चलिए कैसे इसका क्या क्या है देखते हैं। तो लास्ट डेट आप लोग इसमें देख रह पा रहे होंगे, आपका एग्ज़ाम का डेट जो है वो आपका है 2/5/2020, ठीक है, आपका 5वां मंथ में जो है 2020 में 2 तारीख को इसका एग्ज़ाम होगा, जिसमें कि आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ें पूछे जाएंगे आईटीआई इसके, जो भी उसका सिलेबस होगा मैं उस पर ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। ठीक, आप लोग चैनल पे जुड़े रहें और आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, देखिए इसके लिए कोई भी न्यूनतम एज नहीं रखी गई है, ठीक है, आपके कितने भी एज हो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका जो है कैसे इसको अप्लाई करना है, तो आपको BCECE board.bihar.gov.in, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, तो यहाँ से आप लोग इसके लिए एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ चाहिए होगा, ठीक है, अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ का रिक्वायरमेंट होगा। तो पहला नंबर है, स्टेप 1 में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको मोबाइल नंबर चाहिए होगा, उसके बाद एक आपका मोबाइल नंबर के बाद ईमेल आईडी चाहिए होगा। ठीक है, 2 चीज़ डाल के आप लोग यहाँ पे जो है रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद आपका एक आपको यूज़र आईडी वगैरह मिल जाएगा यहाँ से। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है आपको यहाँ पे स्टेप 2 में पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन मीन्स आपको आपका जो भी है एड्रेस वगैरह, जहाँ पे आपका घर है, डिस्ट्रिक्ट है, ये सारा चीज़ इसमें फिलअप करना रहेगा। 3rd नंबर पर आपका फ़ोटो और सिग्नेचर ये अपलोड करने रहेंगे, ठीक है, फ़ोटो और सिग्नेचर आपका 3rd नंबर में। उसके बाद 4th नंबर में आपको जो है आपका यहाँ पे जो भी क्वालिफ़िकेशन है उससे रिलेटेड होगा, आप जो भी पढ़ाई किए हैं ना, जैसे आपने आईटीआई किया है तो आईटीआई से रिलेटेड यहाँ पे फिलअप करना होगा, 10th से रिलेटेड हो गया, +2 से रिलेटेड हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में जो आपका प्रीव्यू योर एप्लीकेशन, प्रीव्यू योर एप्लीकेशन मीन्स क्या, आप जो भी एप्लीकेशन फ़िलअप किए हैं उसके आपको एक बार जो है उसको अच्छे से देख लेना है, क्या उसमें कुछ फॉल्ट वगैरह तो नहीं रह गया, ठीक है, इसमें आपको प्रीव्यू किया जाता है उसके लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 6 नंबर जो है उसके बाद आपको यहाँ पे पेमेंट से रिलेटेड है आपका। ठीक है, आपको यहाँ पे पेमेंट, देखिए पेमेंट में जो आप लोग 2 तरह से पेमेंट कर सकते हैं, पहला आपका क्या है पेमेंट में आप लोग चालान के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, दूसरा जो है आपका नेट बैंकिंग हो गया, या फिर आपके पास ATM कार्ड है, डेबिट कार्ड या वीज़ा, इन सारे मीडियम से जो आप लोग चालान कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज जो आपका 7th नंबर, उसमें आपको क्या करना है, आप एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद उसका हार्ड कॉपी जो है वो प्रिंट करके अपने पास रख लेना है। ठीक है, आपको उसको कहीं पे भी भेजना नहीं है, उसको ऑफलाइन में भेजना नहीं है, अपने पास उसको स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि आपको जब आप लोग उसके लिए जाएंगे, आपका जब फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, जब आप लोग काउंसलिंग के लिए जाएंगे, तो उस समय आपको वो एप्लीकेशन जो है फॉर्म वो मांगा जाएगा। ठीक है, इसलिए उसको सुरक्षित रखना है, उसको फेंकना नहीं है। तो अब इसकी फ़ीस की बात कर लेते हैं, कितना इसमें फ़ीस आपको लगेगा, एप्लीकेशन फ़ीस। ठीक है, तो एप्लीकेशन फ़ीस जो है देखिए यहाँ पे दिया हुआ आप लोग 2200 रुपये लग रहे हैं। ठीक है, 2002 रुपये की राशि
जो आपको लगेंगे, ठीक है, इसको अप्लाई करने के लिए, जो आप लोग ऑनलाइन या फिर बैंक के थ्रू चालान कटा के कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं डेट से रिलेटेड, यहाँ पे सारा इंपॉर्टेंट डेट दिया हुआ है, ठीक है। देखिए आपका यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन जो वो 18/3/2020 से स्टार्ट हो चुका है, ऑनलाइन एप्लीकेशन वो आपका बंद हो जाएगा 14/4/2020 को, याद रखिएगा 11/4/2020 को 12 बजे रात तक। उसके बाद आपका लास्ट डेट जो है पेमेंट करने का चालान के थ्रू वो है 12/4/2020, ठीक है। उसके बाद आपका यदि क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो आप 13 तारीख तक कर सकते हैं, 13/4/2020 तक। उसके बाद आपका फॉर्म एडिटिंग, ये याद रखिएगा, फॉर्म यदि आप किसी तरह मिस्टेक कर देते हैं तो फॉर्म एडिटिंग करने के लिए आपको टाइम मिलेगा 14 से 16 अप्रैल के बीच में, आप इसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर एडिट नहीं हो पाएगा, तो याद रखिएगा इस डेट को। उसके बाद देखिए आपका एडमिट कार्ड जो है वो 22/4/2020 को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, और आपका पर्पस जो है फिर एग्ज़ाम जो है वो आपका 2/5/2020 सैटरडे को होगा, ठीक है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन था जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें जिन्होंने भी ITI कर चुका है और जो भी आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, डिप्लोमा करना चाहते हैं, पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो लोग इसके लिए फॉर्म जो है वो फिलअप कर सकते हैं। तो यही था आज का वीडियो, यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।